Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. Good evening, I'm welcome to Show Third Opinion with Mr. Bashani. I'm your host Jasleen. Uh, Mr. Bashani, today I do have a couple of questions that I would please like you to answer. So my first question to you is in regards to there has been a lot of news about human rights violation in Azad Kashmir. So can you tell us what these violations are about? what is the background and the history behind all the discussion that's all over the news? Uh, thank you, Ah, yeah news have at least uh, a big news on social media as well as you have lowsco discusser तो ये काफ़ी अरसे से हो रहा है वहाँ टाइम टू टाइम इस तरह की सिचुएशन होती रहती है जब कुछ लोग जो है वो कोई जो अपने बेसिक राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हों जल से जुलूस कर रहे हों को एजिटेशन हो रहा हो तो उस हवाले से वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल है कि एंड इज़ ऑलवेज देयर कि वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो उसको रोकने या रिस्ट्रिक्ट करने या लिमिटेड करने की जो है वो कोशिश करती हैं जिसके नतीजे में ज़ायरा जो भी सिचुएशन इमर्ज uh, होती है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के उसमें आती है और ये रिपीटेडली होता रहा फ्रॉम लास्ट ईयर वी हैव सीन कपल ऑफ टाइम्स कि जो वहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हुई है तो इस दफ़ा फिर जो है वो गलगत बल्तिस्तान के इशू पर एक डिस्कशन वहाँ पर हो रही है डिस्कशन से मराद ये है कि वहाँ पे जो एजेंडा जो सामने आया है वो ये है कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ जो हैं वो गलगत बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पाँच मनसूबा ए प्रावेंस और ए टम्प्ररी प्रावेंस जो है वो बनाने का फ़ैसला कर चुके हैं तो इस पर जो है वो एक अनरेस्ट ऑल दी कंसर्नस जो पैकेट्स हैं उसमें आई है उसमें सबसे बड़ा कंसर्न पैकेट ख़ुद गलगत बल्तिस्तान के अंदर है जहाँ पे के वहाँ के अवाम का एक रद्दमल है जिसमें कि कुछ लोग कहते हैं सुबह बनाओ कुछ कहते हैं ना बनाओ कुछ कहते हैं टम्प्ररी सुबह बनाओ कुछ कहते हैं इसको आज़ाद कश्मीर टाइप एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप जो है वो दे दो कुछ कहते हैं कि इसको जो है वो इंडिपेंडेंट एक जो है एंटिटी के तौर पे रेकग्नाइज़ करो तो वो लोगों की अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है जो मुख्तफ पैकेट्स के अंदर जो रिलीजियो पॉलिटिकल पैकेट्स गलगित बल्तिस्तान के अंदर ट्रेडिशनली एग्जिस्ट करते हैं उनकी सोच की एक रिफ्लेक्शन रिफ़्लैक्शन तरीकों से हो रही है लेकिन उसके साथ साथ चूँकि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी महाराजा हरी सिंह की उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं डिवाइडेड उनके अंदर भी गलगित के हवाले से एक एफिलिएशन मौजूद है कि जी ये जो है इसका ताल्लुक हमारे साथ है उसकी डिफरेंट रवजूहत हैं एक तो हिस्टोरिकल है दूसरी इस वक्त की जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन है वो है कि जी डिस्प्यूटेड टेरिटोरीज़ हैं और इनके फ्यूचर के बारे में अभी फ़ैसला होना बाक़ी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये एक रैकड मौजूद है ऑल दो देर इज नो केस एक्टिवली गोइंग ऑन बट देर इज़ ए रेकर्ड ऑफ डिफरेंट रेजोलूशन तो इन सब चीज़ों को सामने रख के तो वहाँ जो डिफरेंट एरियाज़ हैं स्माल यूनिट्स हैं एंड बाय द वे फाइव जो रेकग्नाइज किस्म के यूनिट्स हैं फार्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जिसमें जम्मू कश्मीर हो गया लद्दाख हो गया गलगत बल्तस्तान हो गया आज़ाद कश्मीर हो गया तो ये जो हैं इनकी अपनी अपनी फीलिंग्स हैं सो so, वहाँ भी थोड़ी बहुत गलगित को लेके तो एक अनरस जो है वो मौजूद है तो आज़ाद कश्मीर में डेफिनेटली जो है ये मौजूद है ही है आज़ाद कश्मीर के अंदर ट्रेडिशनली पोजीशन ये रही है कि पीपल दे फील देम सेल्फ मोर अटैच्ड टू द जम्मू एंड कश्मीर एंड गलगित बल्दिस्तान देन देम सेल्फ विच इज़ ए पज़ल टू बी सॉल्व लेकिन ये पज़ल वहाँ भी शुरू दिन से मौजूद है और मेरे ख़्याल में शुरू दिन से इसलिए मौजूद है कि हिस्टोरिकली जब ये इलाका जो है इसको बनाया गया था तो वन ऑफ द टास्क ऑफ दिस टेरिटोरी जो है एन आज़ाद कश्मीर की उसका टास्क ये था कि जी रियासत जम्मू कश्मीर के बाकी लोगों को हम रेप्रजेंट करते हैं बिकॉज दिस इज़ ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जाइल और गवर्नमेंट इन जो है रेप्रजेंटेटिव ऑफ द होल स्टेट ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर तो वहाँ से एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना और सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट उनके अंदर डिवेलप हुआ कि जी हमारा ताल्लुक आपस में है तो हम कोई भी डिसीजन करेंगे तो मिलके करेंगे मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इसकी ये रीज़न है साइकोलॉजिकल या उसके बाद जो ब्रेन वाशिंग हुई नॉन स्टॉप ट्वेंटी फोर आवर्स लोकल लोगों की uh, उसका भी एक फैक्टर है लेकिन अल्टीमेटली लोग हाउ दे फील काइंड ऑफ अटैचमेंट तो इसकी वजह से वहाँ भी काफ़ी दिनों से एक जब से ये सवाल उठा है कि फ्यूचर ऑफ़ गलगित बल्दिस्तान इज़ इन क्वेश्चन और अंडर कंसिडरेशन और इस पर डेलीब्रेट हो रहा है इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और अदर जो पावर सर्कल्स हैं उनके अंदर तो ये उस वक्त से एक अनरेस्ट मौजूद है जिसके नतीजे में अब जो वहाँ पर जितने ग्रुप्स हैं स्पेसिफिकली प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स बाकी ग्रुपों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है और अगर है भी तो वो इसको बड़े डिफरेंटली जो है दे थिंक दे आर गोइंग टू गिव देयर इनपुट इन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सो दे हैव नो रीज़न टू ऑफ एजुटेशन और समथिंग लाइक दिस लेकिन जो प्रो इंडिपेंडेंस ग्रुप्स हैं वो इसको एक एजेंडा समझते हैं इस हिसाब से उन्होंने वक्ता फ़क्तान कुछ कॉन्फ्रेंस भी की हैं और अब जो है वो एजुटेशन भी कहीं छोटे मोटे ग्रुप हैं कोई जो है वो मार्च कर रहा है टू वर्ड तेतरी नोट अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वट इज़ द लिंक बिटवीन तेतरी नोट विच इज़ एक्सट्रीम

गलगित बल्तस्तान चूँकि मुजफ्फराबाद एज़ नो no, उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है इस पूरे जो पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रक्चर मुजफ्फराबाद एज नो से इन दैट वन सो वट्स द पॉइंट टू गो देयर? कुछ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं इसी महीने में तो उनका ख्याल है कि हम जो असल डिसीजन मेकर हैं उनके दरवाज़ों पर जाके दस्तक देंगे तो ये जो भी जा रहे हैं मुझे उस पर मेरी ना कोई इनपुट है ना मैं उसका जवाब दे सकता हूँ बिकॉज आई एम नाट इन देयर कि मैं कहूँ कि ये ग्रुप इसने ये डिसीजन क्यों किया लेकिन जहाँ तक डिसीजन का ताल्लुक है मैं उसको देखता हूँ कि डिसीजन उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ये कोई डिसीजन नहीं किया कि हम किसी पे हमला करने वाले हैं या देर इज़ एनी आर्म रिबेलियन अगेंस्ट एनी बॉडी आर एनी काइंड ऑफ़ टेररिज्म और एनी काइंड ऑफ़ जो है वो किसी तरह की डिस्टरबेंस या कोई डिसरेप्टिव एक्टिविटीज़ का मसला नहीं बल्कि उन्होंने डिसीजन ये किया कि वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट पीसफुली जो है वो जहाँ जहाँ उनको मर्जी आई कि कहाँ पे हमने करना है दिस इज़ मैटर ऑफ़ देयर चॉइस के वेन्यू क्या है तो मुझे मैं समझता हूँ कि मैं इस हद तक अपने आप को कंसर्न रख रहा हूँ के वाई दे मेड द डिसीजन इज़ नॉट माई कंसर्न माई कंसर्न इज दैट द डिसीजन दे मेड इज़ ए जो डेमोक्रेटिक डिसीजन है और एक पीसफुल असम्बली पीसफुल प्रोटेस्ट का डिसीजन है विच इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और अगर आज़ाद कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा हुआ नहीं है अल्फाज में तो इंटरनेशनली जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल डिकलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है विच इज़ ए प्रीविलिंग काइंड ऑफ गाइडिंग डॉक्यूमेंट तो उसकी रोशनी में उनका ये हक बनता है कि वो अपनी धरती के अंदर किसी भी इशू पे पीसफुली पॉलिटिकली जो है वो प्रोटेस्ट कर सके। मैं समझता हूँ कि अनचैलेंजेबल हक है लेकिन जो गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर है वो भी इसको तस्लीम करती है कि दिस इज़ ए राइट ऑफ़ ए ग्रुप और ग्रुप ऑफ़ ए पीपल और ए पार्टी और जो भी है कि वो इस तरह का कोई डिसीज़न करें और वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं इस सिलसिले में लेकिन जब ये मैं देख रहा हूँ ना कि ये जब वो ये बात ऑन ग्राउंड तो हम सब को पता है ये किताबों में भी लिखी हुई है एंड वर्बली आरऑल स्टेटमेंट्स के अंदर भी इसका बार बार जो है वो आयादा हो चुका है सो देर इज़ नो डाउट लेकिन जब कभी वो अमली तौर पे कोई ग्रुप इस तरह का इकदाम करता है व्हेन दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग देयर राइट तो उस वक्त जो है ना ये जो रूलिंग अलीट है वो या तो उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने शुरू कर देते हैं और या अचानक उस एक्टिविटी को बैन कर देते हैं विच इज़ ए पेजलिंग थिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी द रीज़न इज़ के भाई देखें ये तरीका नहीं होता आप अपने अवाम के साथ धोखा या फ्रॉड नहीं कर रहे हैं गवर्निंग इज नॉट ए फ्राजुलेंट एक्टिविटी एंड आई रिपीट इट गवर्नेस और गवर्निंग इज़ नॉट ए फ्राजुलेंट एक्टिविटी एंड यू आर नॉट डीलिंग विद ए एनी मी ये कोई हालत जंग में नहीं है कि आप अपनी चाले जो है उनको छुपा के रख रह रहे हैं hmm. कि इन लड़कों को आने दो तो जब पुल पे पहुंचेंगे तो हम देख लेंगे कैन यू इमेजिन दिस इज लाइक ए किडिंग राइट दिस इज लाइक ए किडिंग एंड आई थिंक दे नीड टू ग्रो अप कि भाई अगर आप नहीं चाहते कि वो कोई जुलूस निकालें एंड यू हैव हैीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव कि वो जुलूस नहीं निकाल सकते तो यू हैव टू अनाउंस दैट बिफोर द टाइम वेन दे आर अनाउंसिंग देयर एक्टिविटीज जैसे कि शहरी का ये हक बनता है एक फुल डिस्क्लोजर, एक क्लियर लॉ एक क्लियर कट पॉलिसी कि भाई साहब ये इस तरह के जो हैं ये हमारे लिए ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं देयर फोर वी आर नॉट गोइंग टू अलो यू वे बिफोर द टाइम तो इस तरह के जो इंटरेस्टेड ग्रुप हैं वो फिर इसके दूसरे वेन्यूज़ इख्तियार करें मसलन मतलब ये कि वो कोर्ट में जाएँ और ये मसला कोर्ट के सामने रखे वन देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन ए गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट शैल नॉट कंसिडर इट सेल्फ ए स्टेट दे आर नॉट ए स्टेट दे आर जस्ट ए गवर्नमेंट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द स्टेट बट दे आर एक्टिंग लाइक वन तो फिर जो है वो अगर ऐसे डिस्प्यूट है बिटवीन टू पार्टीज तो कोर्ट इसीलिए हम तनख्वाह देते हैं जजिस को और वो वहाँ बैठे हुए हैं फुल टाइम बेसिस पे कि वो फिर उस डिस्प्यूट को सुने और डिसाइड करें कि भाई गवर्नमेंट का जो आर्डीनेंस है या हुक्मनामा है या अल्तजा है या गुजारिश है वो सही है या ये जो लोग अपनी रेमेडी मांग रहे हैं या राइट मांग रहे हैं वो सही है तो वे बिफोर द टाइम हम एक ह्यूमन राइट्स क्वेश्चंस को सिविल लिबर्टीज़ को डेमोक्रेटिक राइट्स को सिविल राइट्स को सामने रखते हुए डिसीजन करें लेकिन ये क्या कर रहे हैं ये जो आज़ाद कश्मीर की लूली लंगड़ी किस्म की हुकूमतें हैं कि ये शब खून मारना जिसको कहते हैं कि जी आप छुप के बैठ गए मोर्चे में जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं और जब आपको लड़के नजर आ गए पुल की तरफ आते हुए तो आपने अचानक रातों रात दफ़ा एक सौ वन फोर्टी फोर लगा दिया जुलूस बैन कर बैन कर दिया वहाँ पे आपने जो है वो अजीब व गरीब किस्म की ब्रूटल किस्म की फोर्स भेज दी और उनको कहा नहीं जी आप नहीं क्रॉस कर सकते तो, तो दिस इज नॉट इवन ह्यूमन ए ए राइट्स वायलेशन दिस इज़ एन एब्सोल्यूट फ्रॉड विद ए पापुलेशन टोटल फ्राजुलेंट एक्टिविटी है एंड आई इफ आई कॉल इट ए फाशिस्ट एक्टिविटी आई थिंक देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि दिस इज़ समथिंग समिंग ये अगर बहुत लोगों के लिए अनसेटलिंग है या डिस्टर्बिंग है तो इसमें कोई जो है वो शक की गुंजाइश नहीं है चूंकि मैं नहीं समझता कि किसी अकल और बालग ये जो दो अरबी फारसी के लफ्स हैं जिसका मतलब होता है कि एक एडल्ट जो भी अथॉरिटी है उसको कम अज कम इतनी बात की समझ नहीं आती कि हम ये सिचुएशन बार बार क्रिएट क्यों कर रहे हैं वाई वी आर प्लेइंग विद देम लेट देम गो फ्रॉम देयर आउन डिस्ट्रिक्स फ्राम देयर आउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मार्च टूअर्ड अदर प्लेस एंड वेन दे आर देयर वी गो एंड टेल दैम और ये मैं आपको बताऊँ ये कल परसों की बात नहीं कर रहा वैन आई वॉज ए यंग मैन रेलेटिवली एंड आई वॉज इन द सेम एक्टिविटी आई हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस कि हम जुलूस निकाल रहे हैं 20 किलोमीटर जो है वो पैदल चल के जा रहे हैं कोई नहीं रोकता और जब वहाँ पहुँचते हैं तो आगे पुलिस वाले खड़े हैं कैन यू इमेजन दिस इज़ लाइक शॉकिंग दिस इज़ लाइक शॉकिंग यू नो और ये ये इज़ अ क्रिमिनल एक्ट ये एक मुजरमाना किस्म का फेल है थिंग इज़ दैट के अब ये चीज़ें जो है ना ये सारी चीज़ें <laughs> एक स्टेट को और एक मुल्क को या कोई भी अथॉरिटी है लजिटीमेट और नाट उसको जो है ना एक लाफिंग स्टाफ बनाती है और इससे ये जाहिर होता है कि वहाँ पर जो कुछ भी ये सेटअप है ये फ्राड और बद्यंती जो डिसनास्टी है और इस तरह की चीज़ों पर जो है वो मबनी है चूँकि आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं इफ़ यू आर नाट हाइडिंग समथिंग तो आपको इस तरह की चलाकियाँ करने की ज़रूरत नहीं है यू हैव टू कम फारवर्ड क्लियरली और आपने जो लाज हैं उनको क्लियर करो अपने जो कोर्ट्स हैं उनको एम्पावर करो अपने जुडिशल सिस्टम को जो है वो बेहतरीन और मनाज़म खतूत पे रखो और इस तरह के जितने डिस्प्यूट्स हैं जो लोगों के राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करने दें पहली बात यह है कि राइट एक्सरसाइज करना कहीं जुलूस निकालना कहीं आपका जो है वो किसी जगह पर जलसा करना कहीं अपने ख़्यात का अजहार करना इवन दो यू डोंट लाइक दैट ख्याल और फ़्रीडम ऑफ़ एक्सप्रेशन होता ही यही है बेसिकली इसकी बुनियाद ही यही है जो फ़लसफ़ा है कि आप ऐसे ख्याल को एक्सप्रेस करने की इजाजत देते हैं विच यू डोंट एग्री विद विच यू डोंट लाइक आपके आपके मतलब के ख़्याल का अगर लोग इजहार करें तो देट इज़ नाट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो तो आपकी मर्ज़ी की बात कर रहा है hmm. तो ठीक है तो दूसरे की मर्ज़ी की बात आ गई तो उसने आपको रोक दिया तो बात यह है कि वो ख़ता जो कुछ भी है आज़ाद कश्मीर के अंदर उसके अंदर इस तरह का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ थाट जो है इस पर असाल्ट हो रहा है गुजशत नसफ सदी से पचास साल से साठ साल से बल्कि आई वुड से फ्राम द बिगिन सत्तर साल से ये लिबर्टीज़ अंडर अटैक हैं फंडामेंटल राइट्स का कत्ल हो रहा है और उसके ऊपर से ये झूठ फ्राड बदती और धोखादही के ज़रिए अवाम को मैनिपुलेट किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अनफॉर्चुनेट चीज़ें हैं गलगित बल्तिस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज जो हैं हाउ दे विल कम आउट ऑफ दिस स्टोरी एंड वट वुड बी देयर फ्यूचर या आज़ाद कश्मीर की अपनी जो है वो अख्तियार क्या हैं उसकी इंटाइटलमेंट क्या है एंड वट शुड बी द नेक्स्ट सेटिंग फॉर दैट ये सारे पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं और पोलिटिकल क्वेश्चंस को एक पोलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर पोलिटिकल जो है डेलीब्रेशन के अंदर लाकर ही जो है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है subscribe tag tv youtube channel and press the notification button welcome back viewers thank you ms pashani for discussing the first question now my second question is in regards to a case which was uh, registered in the city of lahore against the former prime minister and his party members can you tell us what happened there what were the details and if you can just shed some light on this question <coughs> as well हाँ ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो है ना न गोफ़िक्र वाला सवाल है सिटी ऑफ लाहौर के एक पुलिस स्टेशन पे एक केस रजिस्टर हुआ है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर फार्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ और उनकी पार्टी के उन्होंने जो है वो इस तरह की तकार की हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने मुल्क के साथ जो है वारी की है जी। और गद्दारी के साथ साथ जो है वो एट फुल स्पीचेस का भी उन पर जो है वो एलिगेशन लगा है अब ये केस जो है ना ये इट वाज वेरी वेरी शॉकिंग फॉर मेनी पीपल चूँकि ये इस केस का जो ये जो गद्दारी का केस है किसी भी पॉलिटिशन या पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप के ख़िलाफ़ उसको इस तरह पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर करना पहली बात ये है कि ये एक बाकायदा इसके पीछे एक लॉ है जिसकी रोशनी में इसको होना चाहिए और वो ला ये है कि इस टाइप का जो केस होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट जो होती है या जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है या प्राविशल गवर्नमेंट है जिस प्रावेंस के अंदर ये इंसिडेंट या इवेंट जो है इस टेकिंग प्लेस उनकी तरफ से या उनकी तरफ से अपॉइंटेड जो नुमाइंदा होता है रेप्रजेंटेटिव ऑफ दो गवर्नमेंट्स उनको जो है वो करना होता है ये केस चूँकि ये केस जो है हाइट रीजन का केस है तो इज़ नॉट जस्ट ए पैटी क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्टिविटी के कोई जाके थाने में जो है वो केस कर दे पहली बात यह okay. इस केस में जिस शख्स ने वहाँ जाके रिपोर्ट की उसके खिलाफ खुद पुलिस में जो है पहले से कई रिपोर्टें हैं ऑन क्रिमिनल काउंट्स सो दैट मीन्स इज ए क्रिमिनल गाय ऑल दो एफिलियट विद दी जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है इसके साथ पहली बात यह है कि टोटल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड जो पोलिटिकल और जो लीगल राइट्स हैं उसका है दूसरा ये है कि केस इट्सल जो बड़ा आर्ड है चूँकि ये जो गद्दारी या ट्रीजन या इस तरह के केस होते हैं उसमें एक बड़ा एक ये कंप्लेक्स केस है उसके पीछे जो उसकी डेफिनेशन है ख्वाब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आए या पाकिस्तान पेनल कोड में आए या किसी इंटरनेशनल जो है वो डॉक्यूमेंट में उसकी एक बाकायदा डेफिनेशन है कि जिसमें आप किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ या उसके सरबराह के ख़िलाफ़ एक बाकायदा बगावत जो है आ, वो करते हैं ऐसी कंस्परेसी करते हैं जिसके नतीजे में आप उसको रिमूव करने की अटैम्प्ट कर रहे हैं बेसिकली ये एक बाकायदा इसकी डिफ़ाइंड शक्ल है तो अगर आप जो है वो अपने एक जलसे में या एक कॉन्फ्रेंस में या सेंट्रल कमेटी के इजलास में एक तकरीर कर रहे हैं जिसमें आप अपने डेमोक्रेटिक राइट को एक्सरसाइज करते हुए किसी पर लजिटीमेट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं एंड बाई द वे क्रिटिसिजम इज़ ऑलवेज़ लेजिटीमेट इसके साथ लेजी का लफ्स में समझता हूँ मैंने गैर ज़रूरी लगाया क्रिटिसम इज़ आलवेज लेटीमेट चूंकिजम एज क्रिटिसिजम और क्रिटिसिजम के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप जिन ख्याल का एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें सब जो है वो दुरुस्ती हूँ चूँकि वो आपके ख्याल हैं इज़ ए बंच ऑफ ओपिनियन तो उस क्रिटिसम की बुनियाद पर आप इसी किसी को गद्दार कह दें तो इस पर जो है एक बहस चली जो कि एक लंबी बहस है और इसके दो हिस्से हैं एक बहस ये है कि क्या यह केस जो है रजिस्टर होना चाहिए था और अगर हुआ है तो वट काइंड ऑफ कंस्पीरेसी इज़ दिस एंड इफ़ इज़ नॉट ए कंस्पीरेसी वट काइंड ऑफ इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट एंड उनकी जो रजीम है एंड जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ पर ढांचा है उसके अंदर किस किस्म की इनकम्पिटेंट जो है लोग बैठे हुए दूसरा इसमें जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि बहुत लोग इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ए, उसको उसका नाम भी शामिल है तो उसको फिर कुछ लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और कहते हैं जी उसके ऊपर ये गद्दारी का जो मुकदमा लगा है ये गलत लगा है तो मैं इसकी थोड़ी सी वजात करना चाहता हूँ कि ये जो केस रजिस्टर हुआ है वो जो प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ़ और उसकी पार्टी के कोई लगभग चालीस से पचास के दरमियान लोग हैं उन पर ये केस रजिस्टर हुआ है दैट मीन्स के जो उसकी टॉप लीडरशिप थी सारी उसका उन्होंने नाम उन्होंने लिख दिया विदाउट थिंकिंग इसमें कौन क्या है कि hmm. स्टेट का प्राइम मिनिस्टर है या नहीं है सो देर इज़ नथिंग यूनिक विद राजा फारूक हैदर ई इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट जो पार्टी है और उस पार्टी का पार्ट एंड पार्सल और मंबर होने की वजह से और उसकी सेंट्रल कमेटी का मेम्बर होने की वजह से उस पर यह केस रजिस्टर हुआ है नॉट बिकॉज ई इज़ ए रेवोल्यूशनरी और नाट बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एनी अदर गवर्नमेंट जो है वो उससे कोई अफ्रेड है या कोई ऐसा इशू है जो इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि उसको हीरो बना के पेश करने वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूँ पहली बात यह है कि ये जो केस उस पर रजिस्टर हुआ ये रजिस्टर होने की वजह ही जो है उसकी जो है फेथफुलनेस है टू वर्ड नवाज शरीफ इस सारे कजिये में हम नवाज शरीफ के बारे में हम समझते हैं कि उसके साथ ज्यादी हुई है एंड ही वॉज़ ट्रीटेड अनफेयरली उसका जो ड्यू प्रोसेस है वो उसको नहीं दिया गया था उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्पेक्ट नहीं हुए थे उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हुए एंड वी स्टैंड फॉर दैट चूंकि उसके लिए बायदा एविडेंस मौजूद है आलात तो वाक़ात मौजूद हैं जो हमारे इस ख्याल को तकवीत देते हैं कि ही वॉज़ ट्रीटेड अनफेयरली तो उस बात पर हम उसके साथ हैं लेकिन ये जो केस रजिस्टर होने का तलक है इसका उससे तलक न, इसलिए नहीं है जो फारूक अदर का कि वो तो फेथफुल था नवाज़ शरीफ का ज़ाती तौर पर एंड फेथफुल था उसकी पार्टी के वो इसलिए जो है वो विक्टमाइज नहीं हुआ कि वो फेथफुल था टू द स्टेट ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर टू द स्टेट ऑफ द पीपल ऑफ़ आजाद जम्मू एंड कश्मीर दैट इज नॉट द केस एज दे आर ट्राइंग टू बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी अब ये एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी उनके पास आ गया है कि ही इज मोर फेथफुल टू पाकिस्तान एंड दॉलीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द पार्टीज ऑफ पाकिस्तान दैन दे अराउंड चूँकि उस पर जो चार्ज लगा है वो उसकी अपनी जो पचास साठ साल पॉलिटिक्स है या ज़िंदगी है उसमें कभी उसमें ये चार्ज आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स के हवाले से नहीं लगा बल्कि ये लगा है एक डिफरेंट कॉन्टेक्ट्स में तो इस कॉन्टेक्ट में अगर आप उसको हीरो बना के पेश करें और ये कहें कि ये उसकी कोई बहुत बड़ी काबिलियत है या खसूसियत खा, है या उसकी जो धरती के साथ कोई जरूरत है या मोहब्बत है तो ये उसका कोई सबूत है तो मैं समझता हूँ कि आप लोग अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं टाइम एंड अगेन एक ही जो मिस्टेक है आप रिपीटडली जो है उसको दोहरा रहे हैं एक चीज़ ये दूसरी चीज़ ये है कि चलें इसको तो एक ये क्लियर हो गया कि दिस वाज ए काइंड ऑफ रिवार टू तो हिम फॉर इज फेथफुलनेस टू दू पाकिस्तान एंड फेथफुलनेस टू ए पोलिटिकल पार्टी विच बिलोंग्स टू पाकिस्तान और एक लीडरशिप जो है उसके बारे में उसके फेथफुलनेस का उसको रिवार्ड है देर इज़ नो हेरोइज़म और समथिंग लाइक दिस जिसको इस तरीके से देखा जाए दूसरा इसका पहलू जो है ये अब इन केसेस से जो चीज़ वाजे होती है वो ये है कि पाकिस्तान में राइट right फ्रॉम 1947 ये लगता है कि हर हुक्मरान या हुक्मरानों के इर्द गिर् रहने वाले लोग जो हैं वो गद्दार अगर नहीं भी थे तो उन पर गद्दारी के चार्जेस आखिर क्यों लगे ये एक ऐसा सवाल है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैंने इर्द गिर्द के मुल्कों में देखा तो आई हैवेंट सीन समथिंग लाइक दिस इन इंडिया राइट फ्राम नाइनटीन फोटी सेवन एक भी इंडियन पॉलिटिशन जो है उस पर इस तरह ट्रिजन या वतन दुश्मनी या देशद्रोही या इस तरह के जो है बाकायदा इल्ज़ाम जिसको कहते हैं कि पुलिस स्टेशन पे जा पर जाके पर्चा काट दें कोई कभी नहीं हुआ हालांकि इंडिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और वहाँ पर लोगों को ये इख्तियार है कि वो जो तकरीरें करते फिरें मतलब वो किसी के खिलाफ कुछ भी कहें तो उनको जो है वो इस तरह की गद्दारी के मुकदमा जो है नहीं अलबत्तः इसकी एक मिसाल बांग्लादेश में ज़रूर है कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली यही कल्चर मौजूद रहा है जो पाकिस्तान में रहा है कि एक ने दूसरे पे गद्दारी और दूसरे ने तीसरे पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया शेख मजीबुर रहमान को जब कत्ल किया गया तो उस पर भी ये इल्ज़ाम थे कि ये गद्दार था और एजेंट था और फलान था और आज तक उसके बाद जो वहाँ पे जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं उन पे जो चार्जेस और ट्रायल हुआ उन पे भी मेन ट्रायल यही था कि ये जो है एफ सेवेंटी वन में इन्होंने पाकिस्तान की फोर्सेस के साथ मिलकर तो बंग्लादेश से गद्दारी की थी तो ये पाकिस्तान बंग्लादेश का जो हिस्टोरिकल कॉमन बैकग्राउंड है उसमें से एक मिसाल जो है वो मैं इसकी दे रहा हूँ तो इसकी शक्ल में ये गद्दारी का जो केस है ये सामने आया विच इज़ अपेयरेंटली वेरी डिस्टर्बिंग लेकिन इसकी आप अगर हिस्टारिकल उसमें जाके देखें तो इसमें कोई चीज़ नहीं, नहीं है कि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि राइट फ्राम नाइनटीन फोर्टी सेवन ये काम शुरू हो गया था और पहला जो चार्ज वहाँ के बंगाली पॉलिटिशन के ख़िलाफ़ लगना शुरू हुआ जबकि बंगाल और पाकिस्तान एक ही मुल्क थे तो उनके ख़िलाफ़ चार्ज इसलिए लगना शुरू हो गया कि जो कुछ वो कह रहे थे वो पाकिस्तान में बैठे हुए जो रियल पावर ब्रोकरस थे या रियल जिनके हाथ में पावर थी उनको पसंद नहीं था नस मौलवी फजल को हो गया या हुसैन सोरवर्दी हो गया ये वो लोग थे जो वेरी पॉपुलर और एक लंबी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते थे बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में वेयर दे स्टूड विद द मुस्लिम लीग फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान बाद में भी उन्होंने वहाँ पे डेमोक्रेसी और एक सेटअप के क्याम के लिए जो है वो बड़ी जदोजहद की लेकिन उन पर पाकिस्तान के जो तरफ से इल्ज़ाम लगा जिनमें से एक इल्ज़ाम जो शोरवर्दी पर लगा वो प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान की तरफ से था जो कि एक बड़ा क्लियर किस्म का इल्ज़ाम था कि ये दुश्मन का एजेंट है गद्दार है वगैरह वगैरह और इस बुनियाद पे उसको अरेस्ट किया गया इसके बाद जो है ये बातें हम यहीं पे कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात और अनबिलीवेबल बात थी कि वो ख़ुद कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की जो सिस्टर थी फातिमा जनाह उस पर यह इल्ज़ाम लगा गद्दारी का जी। और वो इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज का जो उस वक्त सरबरा था चीफ ऑफ मिलटरी जो पाकिस्तान का उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर खान ने लगाया वो बाकायदा पोस्टर निकाले गए पम्फलेट निकाले गए और उसको गद्दार साबित करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ़रीकों से मसल यह है कि वह उस वक्त के जो पखतून लीडर हैं जो बादचा खान और इस तरह के जो दूसरे लीडर्स उनके साथ मिल के तो पख्तनस्तान को अलग करना चाहती है पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात कर रही है ये सारी चीज़ें तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कि एक माइंड सेट किस किस्म का था कि इफ़ यू डू नाट एग्री विद मी तुम टार हो सिंपल उसकी डेफिनेशन है उसके लिए ना कोई डिक्शनरी की ज़रूरत है ना किसी एथिक्स की ना किसी तरह के कोई मॉरल जो हैं उनको सामने रखने की ज़रूरत है ये सिलसिला वहाँ से आगे चलता मुख्त्य लोगों से ये सारे जो बलोच सिंधी और पश्तून लीडर थे जिसमें मैरीज़ हो गए मैंगल्स हो गए जी एम सैद से लेके ये पखतनख्वा में वाली खान तक सब को जो है वो इनके खिलाफ केसेस भी दर्ज हुए उनके खिलाफ ट्राइब्यूनल्स भी बने और उनके ख़िलाफ़ लंबे लंबे-लंबे ट्रायल भी हुए गद्दारी केसेस में बाद में उनसे माफ़ी भी मांगी गई ये सारे सिलसिले जो हैं। और ये सिलसिला चलते चलते जो है वो अभी तक इवन वहाँ का एक जो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था जनरल मुशर्रफ और जो मिलिट्री बास भी था और पाकिस्तान के मोस्ट जो है वो इन्फ्लूंशर और ताकतवर लोगों में से एक था उस पर भी जो चार्ज जो हैं वो लगे तो इसका मतलब ये है कि ये बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो उनके लिए लफ्ज़ गद्दारी एक मामूली सी बात है और इसको अगर रियली really डिफाइन किया जाए तो इससे मराद जो है वो एक डिफ्रेंस ऑफ ओपीन को आप गदारी के एक खौफनाक लफ्स के अंदर जो है वो बना के पेश करते हैं तो ये वहाँ का एक जो है वो कल्चर बन गया जिसकी रोशनी में ये वाक़ हुआ कि एक आदमी जिसने तीन दफ़ा जो है वो पाकिस्तान पर हुकूमत की नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर रहा उस पर यह इल्ज़ाम लगा लेकिन बाईद ये भी सोचने की बात है कि उसने अपने दौर में ये इल्ज़ाम जो हैं वो मुख्त पॉलिटिशन में वैन ही वॉज़ ग्रोइंग इन हिज पॉलिटिक्स और जब उसकी पॉलिटिक्स का स्टाइल जो है वो ज़्यादा प्रो इस्टबलिशमेंट था एंड ही वॉज़ इन द गुड बुक्स उस वक्त उसने बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशन को जो डिसग्री करते थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको जो है वो बाकायदा गद्दारी के फतवे दिए सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट रियली दैट सीरियस लेकिन इसको इस दफ़ा इसलिए सीरियस समझा जा रहा है कि एक पंजाबी पॉलिटिशन जिसकी इतनी लंबी चौड़ी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट्स में और जो कि एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी को हेड कर रहा है उसको पहले इस तरह जो है वो जुडिशल सिस्टम के अंदर अनफेयरली ट्रीट किया गया विक्टमाइज किया गया और उसके बाद अब उसको एक तरह की एग्जाइल की सिचुएशन में डालने के बाद अब उसकी जो पर्सनल बच्ची की इज्जत है उसको गद्दार और इस तरह के जो है वो टाइटल देके तो उसको वॉश ऑफ करने की कोशिश की जा रही थैंक यू मिस पशानी फॉर डिस्कसिंग माय लास्ट क्वेश्चन एंड वी विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीक थैंक यू सब्सक्राइब टैग टीवी YouTube चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन